मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज यात्रा के बारे में, और जो मेरा अब पिछले 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, पिछले साल हम भारत छोड़ो यात्रा पे निकले, 4,000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, और हम सबको, मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं, वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था, अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था। और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है, मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है, और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी, और कोई देश है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट गांधी जी की फिलॉसफी, उसने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रयोग किया, मगर जो उनको डायरेक्शन किसने दिया, उनको डायरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया। साउथ अफ्रीका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिए गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो औजार दिए गए, वो अफ्रीका के औजार नहीं थे, वो आपके औजार थे, हिंदुस्तान के औजार थे, और वो औजार हमें गांधी जी ने दिए। तो जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था, और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है, कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है।
2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारे इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है।